नमस्कार दोस्तों, लॉसिको के न्यूज़ इन फ्लैश में। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं। केरला ने टॉप किया है नीति हेल्थ रैंकिंग में और यूपी रहा है बॉटम में। साउथ के ट्रायो केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये जो वो तीन राज्य है जिन्होंने हेल्थ केयर इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा बनाया गया उसमें टॉप किया है। वहीं अगर हम देखें तो सबसे अंतिम स्थान पे लार्ज स्टेट्स में रहे हैं उत्तर प्रदेश लास्ट में, और सेकंड लास्ट रहा है यहाँ पर बिहार। ये जो इंडेक्स है, रैंकिंग है, नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई है। करीब 24 अलग अलग मापदंडों पर ये रैंकिंग जो है ये तय की गई है हेल्थ परफॉर्मेंस में। अगली खबर है साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन के बारे में। साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन, इन्हें डार्विन का नेचुरल हेयर कहा जाता है, अर्थात डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और काफ़ी इनके शोध हुए। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। विल्सन जो है, इनका डेथ अनाउंस किया गया था फाउंडेशन की तरफ से, और यहाँ पर ये अवार्ड विनिंग बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके अलावा वर्ल्ड में एक लीडिंग अथॉरिटी माने जाते हैं आंट्स और उनके बिहेवियर पे, चींटियों और उनके जो बिहेवियर रहता है उन पर इनका गहन शोध है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन्हें पुलित्सर प्राइज़ भी मिल चुका है नॉन फिक्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने 1978 में ऑन ह्यूमन नेचर एंड द आंट्स पुस्तक लाई थी, जिसको देखते हुए इन्हें नॉन फिक्शन कैटेगरी में पुलित्सर प्राइज़ दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये है HDFC और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के टाइप के बारे में। HDFC बैंक ने IPPB अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में टाइप कर दिया है, जिससे ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में अपना एक्सपांशन करेंगे। तो HDFC जो है ये 4.7 करोड़ कस्टमर को, जो कि इंडियन पेमेंट्स बैंक से जुड़े हुए हैं, इन्हें अपनी सर्विस केटर करेगा, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ विच अराउंड 90% रिसाइड इन रूरल एरिया। तो करीब इस 4.7 करोड़ लोगों में से जो 90% लोग हैं ये ग्रामीण रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक ने ये अलायंस के बारे में कहा है कि इन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो अलायंस करा है ये कहीं ना कहीं इनके कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग करेंगे, लोगों को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज भी देंगे। तो यहाँ पे HDFC बैंक ने एक एम करा है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव जो है इसे इसे लिवरेज करेंगे, और इंडियन पेमेंट्स बैंक का जो नेटवर्क है 650 ब्रांचेस का, जिसमें 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स है, इसे ये और ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट करेंगे। अगली खबर है 5G के बारे में। 5G की अगर बात करें तो 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और ये अलग अलग 13 शहर इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मार्क करे हैं, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर शामिल है। तो भारत के जो तीन मुख्य प्लेयर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन में, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया, ये कमर्शियल 5G सर्विसेज से शुरुआत करने वाली कंपनीज रहेगी। तो जल्द ही हमारे देश में हमें 5G और फास्ट इंटरनेट सर्विस देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।